हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट ऑफ ट्रेड। इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक के लिए मैं एक ही स्टॉक सिलेक्शन किया हूं एंड स्टॉक का हम डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट ऑफ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस हफ्ते का जो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। एंड आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है कार्बोरंडम यूनिवर्सल का। एंड यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ वीकली, अगर आप इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राय देखिए 2020 में बॉटम बन जाने के बाद एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में चल रहा था। एंड यहाँ पे 2021 के आसपास प्राइस यहाँ पे एक टॉप लगाया था, लगभग अभी हो गया है 15-16 मंथ एक रेंज में देखिए प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा था। एंड ये जो लेवल था, ये था लाइफ हाई जो कि 2021 में बना था। प्राइस देखिए 2023 में यहाँ पे एक बार टच करने के बाद लगभग 1.5 मंथ्स यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था। उसके बाद उसका जो लाइफ हाई है ना, यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड जिस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है एंड स्टॉक जिस टाइप का मोमेंटम में है, अप ट्रेंड में है, हाई प्रोबेबिलिटी कि ये था उसका अप ट्रेंड। एंड यहाँ पे प्राइस ने स्टेशन बनाया था, कुछ टाइम रेस्ट लिया था एंड खुद को रिपोलिंग किया था। एंड जिस टाइप का अभी लाइफ हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है कि कॉन्टिन्यूशन मूव आ सकता है। बस हमारा काम है हमारा क्वांटिटी को एंड रिस्क को मैनेज करना एंड हमेशा से एक एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर लेना है। देखिए यहाँ पे दो टाइप का स्टॉप लॉस बन रहा है। यहाँ पे जो स्विंग लो बन रहा है अराउंड 965 के आसपास, इधर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हैं, नहीं तो बेस्ट स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे जो स्विंग लो बन रहा है, जो कॉन्टिन्यूसली देखिए हायर लो जो बन रहा है, इस स्विंग लो के नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं जो बनेगा यहाँ पे 915 के आसपास। प्रोबेबिलिटी हाई है कि जिस टाइप का हमको कंटिन्यू लोअर हाई देखने को मिल रहा है तो इस लो को प्राइस ब्रेक नहीं करेगा, तो आप यहां पे 915 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं विथ प्रॉपर क्वांटिटी मैनेजमेंट, नहीं तो आप यहां पे 50-50 स्टॉप लॉस कर सकते हैं। मानिए आप इस लेवल पर 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं तो यहां पे आप 965 के आसपास 50% स्टॉप लॉस दे सकते हैं एंड इसके नीचे जो 915 के नीचे बैलेंस 50% का स्टॉप लॉस दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट के ऊपर, क्योंकि स्टॉप लॉस के लिए ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, वो आप कितना क्वांटिटी ले रहे हैं एंड आपका रिस्क एपेटाइट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर ट्रेडर का रिस्क प्रोफाइल अलग अलग है एंड सबका कैपिटल साइज भी अलग है। इसलिए आपके हिसाब से ये स्विंग लो 965 में स्टॉप लॉस रखना है रख सकते हैं, नहीं तो 915 सबसे बेस्ट रहेगा, उसी हिसाब से क्वांटिटी को नहीं तो रिड्यूस कर दीजिएगा। 915 के आसपास इस स्विंग लो के नीचे एक बार के लिए स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं एंड प्रोबेबल है कि आने वाले टाइम में हमको एक कंटिन्यूशन मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस अभी लाइफ हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल नहीं है। इसलिए टारगेट निकालने के लिए अभी हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन का। अगर यहाँ पे मैं फिबोनाची को प्लॉट कर दूंगा, इस हाई को लो के साथ जॉइन कर लूंगा, तो देखिए जो पहला टारगेट यहाँ पे बनेगा वो बनेगा नियरली 1260 के आसपास। 1.618 का जो फिबो लेवल है, 1.618 का फिबो लेवल का टारगेट बन रहा है, 1260 इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा, ओके, जो कि यहाँ से अराउंड 200 पॉइंट का ऊपर। लेकिन इसका जो मेजर टॉप, जो मेजर टारगेट बनेगा वो बनेगा 2.618 का फिबो लेवल, जो कि बन रहा है 1633 के आसपास। तो आप यहाँ पे 1260 एंड 1630 इस दोनों टारगेट के लिए इस स्टॉक को आपके राडार में रख सकते हैं एंड एग्जिट पॉइंट आप किसी भी स्विंग लो के नीचे प्लेस कर सकते हैं या स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं आपका रिस्क को डिफाइन करके, लेकिन हमेशा से एक एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर लीजिएगा जो दोनों लेवल अभी हम एनालिसिस किए हैं। उसके साथ अगर अभी हम चलेंगे इस स्टॉक वर्सेस निफ्टी का रेशियो चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि किस टाइप का रेशियो चार्ट बन रहा है, क्या ये स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं है। देखिए रेशियो चार्ट में भी ये स्टॉक देखिए उसका रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट करके वीकली क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब यह है कि जिस टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इस स्टॉक आने वाले टाइम में निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है, जो कि रेशियो चार्ट में जिस टाइप का ब्रेकआउट आया है यहाँ से पता चल रहा है। अगर हम सारा पैरामीटर देखेंगे तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है, बस हमारा काम है हमारा क्वांटिटी को एंड रिस्क को मैनेज करना है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के ऊपर जिस टाइप का वीकली क्लोजिंग आया है प्रोबेबिलिटी हाई है कंटिन्यूशन मूव आने का। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। अगर कुछ डाउट है वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।